Hi guys, welcome to Jyoti classes. What's up? Hope you all are very well and be safe at home during this Corona crisis. So guys, in this video we are going to discuss about the type 2 conditionals with its uses, reason to why we have to use it, meaning of it and the different structures of type 2 conditionals. Okay, so for Zero conditional and type 1 conditional you can see the link which is provided in the description box. So let's get started without wasting a time. So here, use of it. Things in the future that are not possible. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें फ्यूचर में लगती है पॉसिबल हो ही नहीं सकती, ये चीज़ तो मेरे साथ हो ही नहीं सकती. जब आप उस चीज़ के बारे में बात करती हो फ्यूचर की, इम्पॉसिबल जो आपको लगता है उन प्रेडिक्शन को, उसके बारे में प्रेडिक्शन करते हो, धारणा करते हो कि ऐसा मेरे साथ हो ही नहीं सकता, तो आप उसके लिए क्या करोगे? यूज़ सेकंड कंडीशनल यूज़ यहाँ पर यूज़ करेंगे. सेकंड थिंग, थिंग्स दैट आर इम्पॉसिबल इन द प्रेजेंट. आप प्रेजेंट में, वर्तमान में रहकर, एट प्रेजेंट आपके पास जो चीज़ है ही नहीं और हम उसकी बात करते हैं, यार मैं तो वो होता, मैं तो ये होती, मेरे पास ये होता, तो ये क्या हो गया? ये आप इमेजिनेशन कर रहे हो प्रेजेंट के लिए. इन द नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द सेकंड कंडीशन इज़ अ हाइपोथेटिकल कंडीशन. हाइपोथेटिकल कंडीशन क्या होती हैं कि जो काल्पनिक होती हैं, इमेजिनेशन, ड्रीम्ड ऑफ, कि आपने सपना देखना चालू कर दिया, शेख चिल्ली बन गए कि यार मैंने सो रहा हूँ और ये काम हो रहे हैं. हाइपोथेटिकली काल्पनिक अवस्था में हैं आप, तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं, इमेजिनेशन करना, जो पॉसिबल है ही नहीं उसके बारे में सोचना, अनलाइकली कंडीशंस होना, ये सारी जो चीज़ें हैं बच्चों, ये सारी चीज़ें आपको टाइप 2 कंडीशन में दिखाई देंगी, जिसमें आप प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में बात करते हैं. इसका जो सिंटैक्स होता है वो स्टार्ट होगा इफ़ से. इफ़ के साथ यूज़ करेंगे पास्ट की सिंपल, यानी सिंपल पास्ट में क्या होता है? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ होती है. अगर नेगेटिव यूज़ कर रहे हैं तो आप डिड यूज़ करेंगे, डिड नॉट, डिडंट. ओके, आप वॉज या वर या हैड यूज़ करते हैं. ये जो फॉर्म है वो सेकेंड फॉर्म है. क्लियर? देन आफ्टर जो आपका सेकेंड क्लॉज होगा, सेकेंड क्लॉज में क्या यूज़ करेंगे? वुड, कुड, और उन वुड का यूज़ कर सकते हैं, कुड का भी कर सकते हैं, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. यहाँ पर जो सेंटेंस का मीनिंग निकल के आता है वो है अगर मैं होता तो वो हो जाता. हो जाता यानी वुड, हो पाता यानी कुड, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी आप उसे इन्फिनेटिव कह सकते हो. देखिए, एक नियम है, जो रूल है ना, वो ये है कि जो मॉडल वर्ब जो भी होता है उसके पीछे इन्फिनेटिव यूज़ होता है विदाउट टू. टू नहीं लगता इन्फिनेटिव में, सिर्फ सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है आफ्टर मॉडल्स. इट इज़ अ ग्रामेटिकल रूल. लेट्स डिस्कस विद सम सेंटेंस एग्जाम्पल्स ऑफ विच एंड डिस्कस इन डिटेल अबाउट इट. ओके, let's read this example. If she lived in UK, she would have English friends. अगर वो UK में रह रही होती. lived simple past tense, live की second form है. से lived, she would have English friends. उसके अंग्रेजी दोस्त होते. Second क्लोज में देखिए वुड हैव यूज़ किया है. वुड यानी मॉडल वर्ब के बाद हैव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है विदाउट इन्फिनेटिव. ओके, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो फर्स्ट जो क्लॉज है वो आपको क्या बता रहा है? अगर वो यूके में रह रही होती. इट इज़ अ हाइपोथेटिकल कंडीशन, अभी नहीं रह रही है ना. आप इसे एज अ फ्यूचर टेंस यूज़ कर सकते हैं कि अगर वो यूके में रह रही होती तो उसके अंग्रेजी दोस्त होते. तो टोटली क्या है? हाइपोथेटिकल कंडीशन है, काल्पनिक चीज़ है, इमेजिन किया गया है. अब एक बात और ध्यान में रखिए, जब भी आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म दी जाए, वर्ब यानी कि चाहे आपको खाने की, पीने की, बैठने, उठने की, किसी भी क्रिया की बात की जाए या कोई भी एक्शन वर्ड दिया जाए और वहाँ पर आपको हाइपोथेटिकल लगता है, यानी काल्पनिक चीज़ें लगती हैं, तो आप वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करोगे. जब भी आपको एक्शन वर्ड दिए जाएँ, एक्शन वर्ड में आप वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करोगे इफ़ वाले क्लॉज में. ओके, कभी भी इफ़ के साथ वुड का यूज़ नहीं करते हैं. कभी भी इफ़ के साथ वुड का यूज़ नहीं करते हैं. नेवर यूज़ वुड विथ इफ़ कंडीशन. इफ़ जो क्लॉज है वहाँ पर वुड यूज़ नहीं करना है. इट इज़ अ बिग ग्रामेटिकल मिस्टेक. इन द सेकंड क्लॉज यू कैन यूज़ हियर वुड, कुड, शुड, माइट, वॉट एवर यू वॉन्ट टू यूज़, बट इन द फर्स्ट क्लॉज यू कांट बी यूज वुड. क्लियर? सेकेंड एग्जाम्पल, इफ़ यू मेड एन एफर्ट, we might be able to solve the problem. But here he didn't make any effort. He didn't make any effort. लेकिन कोई एफर्ट तो बनाया नहीं है, कोई एफर्ट तो किया नहीं है. अगर आप प्रयत्न करते तो आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेते, आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते. माइट बी एबल, माइट क्या बताता है? पॉसिबिलिटी बताता है, ठीक है ना. तो यहाँ पर मेड क्या है? देखिए एक्शन वर्ड है ना, मेड. मेक की सेकंड फॉर्म ली है हमने, मेड एन एफर्ट. वी माइट बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम. ओके, माइट बी एबल. ऐसे ही आप यहाँ पर वुड, बी, हैव भी यूज़ कर सकते थे. जब सेंटेंस की जो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस आप वुड, बी, हैव, वुड हैव बीन, ये सारे सेंटेंस ऐसे अलग अलग यूज़ कर सकते हैं. मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगी आपके लिए. वुड हैव बीन कहाँ यूज़ करना है, सारे क्लैरिफिकेशन होंगे उसमें. सो हियर आई थिंक यू आर क्लियर विद दिस कंडीशन, हाइपोथेटिकल कंडीशन जहाँ पर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ की जाती है. ओके, कहाँ पर यूज़ की जाती है? जहाँ पर एक्शन वर्ड हो, वहाँ पर आप सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ड यूज़ करोगे. सेकेंडली, अगर मेरे पास कार होती तो मैं ये करता. अगर मेरे पास इतना पैसा होता तो मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए जाता. अगर मेरे पास ये होता, अगर मेरे पास वो होता. यानी जब भी आपके पास ऐसे सेंटेंस आते हैं जिसमें ये मीनिंग निकलता है, अगर मेरे पास डैश होता, तो जहाँ पर पोजीशन की बात आती है, मेरे पास ये होता, पोजीशन होती इस चीज़ की, तो आप वहाँ पर फर्स्ट क्लॉज में हैड यूज़ करोगे, HAD, हैड. वर्ब फॉर्म क्या होगी आपकी? हैड, पास्ट टेंस. ओके, पास्ट परफेक्ट टेंस का हैड यूज़ करोगे. अगर मेरे पास इफ़ आई हैड, इफ़ वी हैड, इफ़ ही हैड, इफ़ दे हैड. ओके, कोई भी सब्जेक्ट हो, विद एनी सब्जेक्ट यू विल यूज़ हैड. इफ़ आई हैड, यू हैड, वी हैड, शी हैड, वॉट एवर द सब्जेक्ट इज़, यू विल यूज़ हैड. इन विच कंडीशन? अगर मेरे पास डैश होता, अगर मेरे पास कार होती, अगर मेरे पास एप्पल मोबाइल होता, अगर मेरे पास डैश डैश होता, कुछ भी पोजीशन की बात जब भी आएगी तब हैड यूज़ करोगे फर्स्ट क्लॉज में. ओके, इफ़ के साथ. देन आफ्टर इन द सेकंड फॉर्म ऑफ सेकंड क्लॉज, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड देन आफ्टर ऑब्जेक्ट. ओके, तो उसकी सिंटैक्स क्या बनती है? इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड. हैड कब आता है? जब पोजीशन की बात होती. पोजीशन की यानी कि अगर मेरे पास कार होती, अगर मेरे पास एप्पल मोबाइल होता, अगर मेरे पास अमेरिका जाने का मौका होता, अगर मेरे बॉलीवुड का एक्टर होता. तो ये सब क्या है? ये पोजीशन शो करने वाली हाइपोथेटिकल चीज़ें, यानी काल्पनिक वस्तुएं जिसमें हमें पोजीशन में दिखाई देती है. ये मेरा होता, मेरे पास ये होता, मेरे पास वो होता. क्लियर हो गए? जब भी आपको जो सेंटेंस ऐसा दिखाई दे जहाँ पर आपको पोजीशन वाली चीज़ें दिखाई देती हैं, आप वहाँ पर वर्ब इफ़ के साथ हैड यूज़ करोगे. एग्जाम्पल देखते हैं. इफ़ आई हैड योर नंबर, अगर मेरे पास तुम्हारा नंबर होता, आई वुड कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल करता. क्यों कॉल कब करता? ये रिज़ल्ट कब होता? जब उसके पास वो नंबर होता. तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि उसके पास उसका नंबर होना ज़रूरी है इस रिज़ल्ट के लिए. तो ये भी इमेजिनेशन ही हो गई. कहाँ से करता कॉल? मेरे पास तुम्हारा नंबर ही नहीं था. इफ़ आई हैड योर नंबर आई वुड कॉल यू. ओके, सेकेंड एग्जाम्पल. इफ़ यू हैड वन डे इन स्विट्ज़रलैंड, ओ वाओ इन स्विट्ज़रलैंड, व्हाट वुड यू डू, व्हाट वुड यू डू, व्हाट वुड यू डू. क्या करते आप? अगर आपके पास एक दिन स्विट्ज़रलैंड में होता तो आप क्या करते? यहाँ पर आपको जब भी पोजीशन यानी स्विट्ज़रलैंड में रहने की बात की गई तो आपके लिए वो पोजीशन की तरह हो गई. तो यहाँ पर आप हैड यूज़ करोगे, ठीक है. और सेकंड क्लॉज में देखो सब्जेक्ट के साथ, यहाँ पर WH फैमिली से क्वेश्चन किया हुआ है, व्हाट वुड यू डू. तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? क्वेश्चन. यहाँ पर यू पीछे आ गया, वुड पहले आ गया. ओके, व्हाट वुड यू डू इफ़ यू हैड वन डे इन स्विट्ज़रलैंड, व्हाट वुड यू डू. I enjoy a lot in Switzerland. Am I right or not? चलिए ये क्लियर हो गया आपको कि आपके पास अगर पोजीशन वाला सेंटेंस आता है हेड यूज़ करना है. जब भी एक्शन वर्ब वाले बातें आती हैं तब आप क्या यूज़ करोगे? जो लास्ट वाला था हमारा, क्या यूज़ करना है? वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है. क्लियर? नेक्स्ट वन. अगर मैं डैश होता, व्हाट इज़ दिस. अगर मैं डैश होता क्या होता? अगर मैं प्रिंसिपल होता, अगर मैं प्रधानमंत्री होता, अगर मैं स्कूल का टीचर होता, अगर मैं कलेक्टर होता, अगर मैं DIG होता, अगर मैं डैश 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 जो भी होता है, आपकी जो भी कल्पना है, लॉयर, क्रिकेटर, वॉट एवर जो आपकी फीलिंग्स हैं बनने की, वो कुछ भी होता, ठीक है। लेकिन ये कल्पना कौन सी है? जो आप प्रेजेंट में नहीं हो, आप प्रेजेंट में उसकी कल्पना कर रहे हो, जो चीज़ आप नहीं हो लेकिन आप उसकी कल्पना कर रहे हो। यू आर जस्ट इमेजिनिंग दैट थिंग दैट यू आर नॉट इन द प्रेजेंट, प्रेजेंट में आप नहीं हो। तो वहाँ पर आप क्या करोगे, कोई भी सब्जेक्ट हो, इफ़ के बाद कोई भी सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट क्या, आई भी हो सकता है, ही शी इट भी हो सकता है, ठीक है। तो इनके साथ वर यूज़ करोगे, क्या यूज़ करोगे, वर, WERE वर्ब यूज़ करोगे, वर। ग्रामेटिकली ये नहीं होता है ना, ग्रामेटिकली आप तो बोलोगे आई के साथ वर्ब कब से यूज़ होने लगा, यू के साथ वर्ब कब से यूज़ होने लगा। यू के साथ तो वर्ब यूज़ होता है जब आप सेकंड फॉर्म में यूज़ करते हो, ही के साथ तो वॉज आएगा, शी के साथ वॉज आएगा, लेकिन नहीं, जब आप सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस यूज़ करोगे और इमेजिनरी बात करते हो, जो प्रेजेंट में रह के आप फ्यूचर की कल्पना करते हो, जो भी आप हो ही नहीं और संभवतः हो भी नहीं सकते हो, लेकिन हो भी सकते हो, दोनों ही चीज़ें हैं, मे बी और मे नॉट बी इन योर फ्यूचर, बट एट प्रेजेंट यू आर नॉट दैट थिंग। तो आप वहाँ पर चाहे आई हो, यू हो, ही शी इट हो, कुछ भी हो सब्जेक्ट, वर यूज़ करोगे, ओके, क्लियर। अगर मैं प्रधानमंत्री होता, इफ़ आई वर प्राइम मिनिस्टर, इफ़ आई वर अ लॉयर, इफ़ आई वर अ प्रिंसिपल, इफ़ आई वर अ टीचर, क्लियर। आप ऐसे लिखते थे ना, इफ़ आई वर अ प्रिंसिपल, इफ़ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर। तो आपको यहाँ पर वो कल्पना करनी है, उसके साथ क्या यूज़ करना है, वर यूज़ करना है, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, आई, ही, शी, इट, वॉट एवर इट इज़, यू विल यूज़ वर विद दैट वर्ड, क्लियर। लेट्स सी दिस एग्जाम्पल। इफ़ आई वर अ CBI ऑफिसर, आई वुड सॉल्व द मर्डर मिस्ट्री। अगर मैं CBI ऑफिसर होता, क्या अभी प्रेजेंट में है, नहीं है ना, उसकी कल्पना कर रहा है। इफ़ आई वर अ CBI ऑफिसर, आई वुड सॉल्व द मर्डर मिस्ट्री। मैंने मर्डर मिस्ट्री सॉल्व कर देता, ठीक है। आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो, इफ़ आई वर अ CBI ऑफिसर, आई वुड हैव सॉल्व द मर्डर मिस्ट्री। वुड के साथ हैव लगाकर उसकी सॉल्व की थर्ड फॉर्म यूज़ करो, मैंने मर्डर मिस्ट्री सॉल्व कर दी होती, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज सेकेंड एग्जाम्पल। इफ़ आई वर अ किंग, आई वुड हेल्प यू। अगर मैं राजा होता तो मैं तुम्हारी मदद करता, वुड हेल्प, हेल्प की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड क्लॉज में देखो हेल्प की फर्स्ट फॉर्म है। इफ़ आई वर अ किंग, अगर मैं राजा होता तो मैं तुम्हारी मदद करता। आप इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हो, इफ़ आई वर अ किंग, आई वुड हैव हेल्प्ड यू। वुड के साथ मैंने यहाँ पर हैव यूज़ किया, हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसके साथ थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या हुई, हेल्प्ड, ओके। आई वुड हेल्प्ड यू, क्लियर। नाउ यू आर क्लियर। जब भी आप प्रेजेंट में रह के फ्यूचर की कल्पना करते हो, मैं ये होता, मैं वो होता, तो आप सब्जेक्ट कोई भी हो, आई, ही, शी, इट के साथ वर यूज़ करोगे, क्लियर, in type 2 conditional sentences. Let's take a fast review of this video for some important points regarding this video. If the action word is given in the if clause, if clause में जब भी action word दिए जाएँ, आप वहाँ पर second form of the verb use करोगे. For example, live का हो जाएगा lived, eat ate, play played, sing sang, ओके तो वहाँ पर आप वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करोगे इफ़ क्लॉज में, और सेकंड जो क्लॉज है वहाँ पर वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ओके। नेक्स्ट वन इज पोजीशन। पोजीशन यानी मेरे पास डैश होता, अगर मेरे पास कार होती, अगर मेरे पास खूब पैसा होता, अगर मेरे पास एप्पल मोबाइल होता, अगर मेरे पास डैश डैश कुछ भी, मतलब XYZ कुछ भी होता है, यानी पोजीशन की बात जब भी आएगी तब आप क्या करोगे, इफ़ के साथ सब्जेक्ट के बाद हैड, HAD हैड यूज़ करोगे, यानी इन शॉर्ट जब भी आप बोलोगे, इफ़ आई हैड, इफ़ यू हैड, इफ़ शी हैड, इफ़ अनिल हैड, वॉट एवर, वेन एवर यू आर नीडिंग सम पोजीशन, वेन यू आर टॉकिंग अबाउट सम पोजीशन, अगर मेरे पास डैश होता तो वहाँ पर आप HAD हैड वर्ब यूज़ करोगे, इन द सेकंड कंडीशनल, टाइप टू कंडीशनल। और सेकंड जो क्लॉज है वहाँ पर होगा सब्जेक्ट के बाद वुड, वुड के बाद फर्स्ट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, नेक्स्ट वन इज व्हेन यू इमेजिन अबाउट द फ्यूचर इन प्रेजेंट, प्रेजेंट में जो चीज़ नहीं है और फ्यूचर में आप फ्यूचर की बात को आप इमेजिनेशन में ला रहे हो। जैसे कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता, अगर मैं प्रिंसिपल होता, अगर मैं स्कूल टीचर होता, अगर मैं कलेक्टर होता, कुछ भी होता, आप जो इमेजिन कर रहे हो वो होते। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे वो आई, ही, शी, इट हो, उसके साथ वर यूज़ करोगे। वर्ब क्या होगा, वर। ओके, और सेकंड जो क्लॉज है वहाँ पर वुड और प्लस वर्ब की फर्स्ट। So guys, here is a type 2 conditionals. I hope you like my video. If you like it, please hit the subscribe button and share with your friends this video. And the next video, I will try to explain you about type 3 conditionals. Okay? Till that, goodbye. Be safe at home. Thank you.